नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, सीएफएम न्यूज चैनल के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं सीएफएम न्यूज चैनल की एक्सक्लूसिव आज की ताजा खबरें। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कल रात 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए घरों को अंधेरा करके रोशनी फैलाई गई, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो देशवासियों को जो आदेश दिया था, लोगों ने उसके पालन करते हुए दिखाई दी। मगर कहीं कहीं पे हम लोगों ने देखा कि जहां अंधेरा करके रोशनी फैलाई जा रही थी, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि बहुत सारी जगह में आतिशबाजी भी की गई, पटाखे भी फोड़े गए। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस चीज के लिए आतिशबाजी की गई और क्यों पटाखे फोड़कर और पोल्यूशन को बढ़ाया गया है। जबकि ये सच है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ फैल रही है, यकीनन कहीं ना कहीं मौत अब हमारे दरवाजे के बाहर दस्तक दे रही है। हमें कोरोना से लड़ना है, ये जो वक्त है कोरोना से लड़ने का वक्त है, ना कि जश्न मनाने का। दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कन्याश्री फॉर्म जो डेट थी 31 मार्च, स्टूडेंट ने ममता बनर्जी से एक लेटर लिख के ये मुतालबा किया है कि उन लोगों की मुतालबा ये है कि कन्याश्री की जो फॉर्म भरने की जो डेट थी उस 31 मार्च, उसको एक्सटेंशन किया जाए, ताकि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर सकें, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो फिर वो फॉर्म को भर सकें। दूसरी बड़ी खबर है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने कुल्टी में कालाबाजारी रोकने के लिए मोहल्लों के दुकानों का मुआयना किया, और बाजारों में घूरकर उन्होंने दुकानदारों से बात की और ये समझने की कोशिश की गई कि यहाँ पे किसी किस्म का कालाबाजारी नहीं की जा रही है। जहां हम लोग देख रहे हैं कि रिलीफ और राशन पहुंचाने का काम शुरू है, और आसनसोल के लोगों ने जिस मुस्तैदी और यकजहती से एक दूसरे के काम आ रहे हैं, वहां हम लोगों ने ये देखा कि वेस्ट बंगाल तृणमूल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की तरफ से सीएम रिलीफ फंड में 1.5 करोड़ रुपए दी गई। गर्चा ये एक बहुत अच्छी पहल थी, और ये कहा यह जाता है कि कतरा कतरा करके समुंदर बनता है, मुल्क को मुश्किल की घड़ी से निकालना है। इस वक्त सियासी बहस में उलझने का दौर नहीं है कि आपका सियासी नजरिया क्या है, बल्कि वक्त है कि हम लोग हुकूमत की हाथों को मजबूत करें। हिंदुस्तान ने मुत्तहिद होकर और एक जान होकर बड़े से बड़े जंग को जीते हैं, और हम लोग देख रहे हैं जिस यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है, उम्मीद है कि हम लोग कोरोना वायरस को भी इस मुल्क से भगा देंगे। और इस दरमियान एक ये भी खबर देखी जा रही है कि पीस पाइल फाउंडेशन के चेयरमैन, जिनका ताल्लुक धर्मपुर से है, सैयद इम्तियाज के तरफ से गरीब लोगों को राशन पहुंचाने का काम शुरू किया जा चुका है, और ये काम पहले हीरापुर हलका में हो रहा था, अब इसके बाद आसनसोल भी शुरू की जा रही है। उनका ये कहना है कि किसी भी लोगों को भूखा नहीं रह दिया जाएगा, जहां तक है पीस पाइल फाउंडेशन उनके साथ है। हम लोगों ने देखा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर सीके रेशमा भी अपनी वार्ड में बहुत ही मुत्तहिद और बहुत ही एक्टिव दिखाई रही है, और मुसलसल कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि वो भी लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। और इसके साथ हम लोगों ने ये भी देख रहे हैं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 59 नियामतपुर, उनके वार्ड काउंसिलर मीर हासिम और MMIC भी जो है, उनकी भी ये कोशिश है कि उनके वार्ड में कोई घर में भूखा ना हो, इसलिए उनके जितने कारकुनान हैं वो घर घर दरवाजा खटखटाकर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे वार्ड में कोई लोग भूखा ना रहे, अगर किन्हीं को एहसास है कि उनके वार्ड में लोग भूखे हैं तो उनके नंबर पर आप रब्ता करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनको राशन पहुंचा दी जाएगी। और एक खबर ये आ रही है कि आसनसोल के कब्रिस्तान कमेटी के जितने भी सेक्रेटरी हैं, सदर है, उनसे ये ऐलान आ रहा है हम लोग के पास कि आप ऐलान कर दिए कि इन साल शब-ए-बारात के मौके पर कब्रिस्तान बंद रहेगी, आप लोग अपने अपने घरों में इबादत करें और कोरोना वायरस को दूर करने के लिए दुआ करें। और इस दरमियान एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रहा है
कि 15 अप्रैल से रेलवे गाड़ी शायद चालू कर दी जाए, लेकिन जो मुसाफिर तय करें सफर तय करेंगे उनके लिए कहा जा रहा है कि वो मास्क पहन कर रहेंगे। लेकिन ये मुकम्मल खबर नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन यहाँ एक ये भी खबर है कि ट्रेन कब से चालू की जाएगी इसकी अब तक कोई खबर नहीं है। हाँ, ट्रेन बुकिंग का सिलसिला चालू है। दोस्तों, जिस मुसीबत की घड़ी में हम लोग जी रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जिस तरह फैलाव हो रहा है, तो उससे लड़ने का बस यही एक तरीका है कि हम बार बार अपने हाथों को धोएं, चेहरा को साफ करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिस्टेंसिंग बनाकर मिले, लोगों से दूरियां बरतकर मिले। क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त तारीख लिखने का है। वक्त तो गुजर जाएगी, लेकिन जब लोग हिस्ट्री लिखेंगे तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया था जब ट्रेन सर्विसें बंद थी, हवाई सफर बंद थी, बसों का चलना मुश्किल हो गया था और लोग कुछ दिनों के लिए अपने आप को घर में कैद कर लिए थे। तो उस वक्त उस मुसीबत की घड़ी में तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक जंग जीती और वो जंग थी कोरोना वायरस से फतह पाना। और जिस तरह से हम देशवासियों कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम लोग को यकीन है कि बहुत जल्द हम लोग इस पे फतायाब हो जाएंगे। बस आप अपने परिवार का और खुद का ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा घर में रहें।